काम करे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नसरीन किचन एंड ब्लॉग में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है चुगुर। इस चुगुर को पका के किस तरह सुखा के अपन इस्तेमाल कर सकते हैं वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये देखिए एक किलो चुगुर है, एक डेढ़ किलो चुगुर है ये। देखिए इसमें भी है, ये देखने में इतना दिखना है लेकिन पकाने से उसमें आधा हो जाता है। इसमें जो ऐसे से काड़िया है, सख्त काड़िया, और चुनके सब आधा कर लेना सबसे पहले। देखिए डंडिया है थे इसको नीचे ले लो। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम कौला चुगुर है ये। अपन इसका पका के इसको सुखा के इस्तेमाल करें तो साल भर तक अपन यूज़ कर ले सकते, दाल में हो, गोश्त में हो, हर वेराइटीज़ के करी बना सकते इसे। देखिए इस तरीके से काड़िया लेके इसको अलग कर लेना है। सभी इस चुगुर को चुन के फिर मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा चुगुर साफ हो गया। देखिए निकाड़े नहीं। अब इस चुगुर को धो के अब गैस पे चढ़ाएंगे, दिखाऊंगी मैं आपको। देखिए माशाल्लाह एकदम कौला चुगुर, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट रहता फ्रेंड्स। जिसमें भी दाल के बनाओ, दाल भाजी हो या गोश्त चुगुर हो, इसमें भी हो माशाल्लाह। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, चुगुर इस पानी में डाल के चुगुर को धो लेंगे साफ। देखिए साफ धो के इस बोगने में डाल लेंगे। इसी तरीके से पूरा चुगुर धो के दिखाऊंगी फ्रेंड्स मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चुगुर को धोना होगा। अब इसको गैस पर रख देंगे और इसमें एक गिलास पानी ऐड करेंगे इसमें चुगुर नरम पकने के लिए। ये देखिए इस पर ढक्कन डाल देंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, पक के कितना कम हो गया और पकने से और कम हो जाता चुगुर। देखिए माशाल्लाह जो पानी है वो पूरा ड्राई हुआ था। किसको पकाएंगे इसको, चुगुर भी नरम गल जाता तब तक। देखिए फ्रेंड्स, चुगुर में का पानी सभी पूरा ड्राई होगा। देखिए कहीं से भी पानी नहीं है। अब गैस को करके गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे इसको। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चुगुर पूरा ठंडा हो गया, पका हुआ चुगुर। देखिए माशाल्लाह, देखिए इस तरीके से दामटियाँ बना के कवर पर रख के इसको धूप में सुखाएंगे इसको। तरीके से गोल बनाते हुए इसमें से सब प्रेस करते हुए और इस पर रखते जाएंगे माशाल्लाह। सभी चीज़ों को इस तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स। सभी बना के दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, चुगुर के दामटियाँ बना के इस पर जमा दी। अब इसको धूप में रख देंगे इसको। ये देखिए मैं धूप बहुत तेज है, अब इस दीवार के ऊपर रखूंगी इधर।
डेढ़ किलो शुगर के इतने बने फ्रेंड्स है। देखिए दीवार पे सुखा दिए, धूप को बहुत तेज है फ्रेंड्स। देखिए धूप पायल पायल देखिए फ्रेंड्स हवा कितनी जोर से चल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सुखाए हुए चुगुर के माशाल्लाह सब अच्छे से सूख गए। इसको सुखा के एक साल तक भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसको जब भी कोश में डालना हो इसको मैश करके डाल सकते हैं। पहले हवा शुरू है बाद में बारिश शुरू है। काम पे खम्मम ये कमी है भी बोलते किलो किलो 60 रुपए से लिया मैं ये तो 3 किलो 11 है वो तो 20 रुपए दे दिया मैं थोड़ा ज़्यादा था तो 300 रुपये डजन बोले सर कभी कलर अच्छा है लेकिन एक 300 रुपये बोलते 125 रुपये गिरा ना होता है क्या 125 रुपये देखिए ऐसा मैं सस्ता होंगे बोल के मैं समझा और है सो उसमें पूरे ले लिया मैं अभी दूसरे तो अच्छे नहीं थे। ये देखिए फ्रेंड्स सूखा हुआ चुगुर माशाल्लाह चुगुर को स्टोर करके रख देंगे तो आपको चुगुर दाल बना सकते हैं, चुगुर गोश्त बना सकते हैं। चुगुर गोश्त बना दे सकते हो, करी बना लेके इसको ऐसा स्मैश कर लेके इसमें डाल देना सालन में, सेम टेस्ट आता चुगुर गोश्त का। चुगुर हमेशा नहीं बनता ना फ्रेंड्स, मेरा इस टाइम पे इस तरीके से बना के रख ले तो अपने को कभी भी काम आता है। ये देखिए ये सब सूख गए 2 दिन की धूप में। आपके पास भी चुगुर है तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिए। देखिए माशाल्लाह 1.5 किलो चुगुर में इतना बना फ्रेंड्स है। ये सालन में डालने वाले इसका कलर भी चुगुर के कलर में चाहता फ्रेंड्स करी, देखने में ऐसा ये कलर है लेकिन